मैं अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना गरीब बच्चों के लिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए, है ना। मेरे पास भी एक जादू की शक्ति थी, विश, जो एक गरीब बच्ची की सहायता के लिए मैंने इस्तेमाल कर दी, और ऐसा करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पुण्य का काम जो है वो हमें करना चाहिए, और उसे करने में हमें बहुत सुकून मिलता है। इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। आप देखना जीजू, आपकी जीनी आपको और सुकून देगी। हम एक नहीं, अनेक गरीबों की मदद करेंगे। अच्छा, तो नेक काम में देरी क्यों, छपाई शुरू करो ना। ओके। असली है? हाँ जूजू, बिल्कुल आपकी तरह। क्या कर रहे हो? हिला डाला। जीनी, हाँ? तुम्हें पता नहीं तुम कितना नेक काम कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, क्या है कि यहाँ पास ही में एक अनाथ आश्रम है, मैं ये जाकर के वहाँ डोनेट कर देता हूँ। ओके। लंच ब्रेक के आसपास वो बंद हो जाता है, तो मैं भी जाता हूँ, नहीं तो सीढ़ी पे छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ। अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हेलो जी। हेलो। मीज आक्सिंग ऑन यू, बिकी सर घर पे हैं? है ना, आओ। ये खजूर कौन है? बिकी सर, हाउ द हेल आर यू? बिकी सर, आप अपने ब्रीफकेस ऑफिस में छोड़ आए थे, तो हम आपके लिए ले आए। How sweet! You are thanking on me. Yeah, yeah. Thanking on me? Thank you. Most welcome. अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। Bye bye. Bye. माँ कसम, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता राजा। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाई में और खुद देखे में। हाँ तो मैं चलूं अनाथ आश्रम में? जल्दी आना। हाँ, वो क्या है ना, कहते हैं ना कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो मैं चलता हूँ। ओके। अब कौन आया? जरा देखो ना। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। वह कुछ ऐसा है कि इस इलाके में कीमती गहनों की चोरी हुई है, और हमें ये भी पता है कि चोर यही कहीं है। ओ, हम हबलदार हैं। हाँ, और सबको तो इस बात पे भी शौक है कि वो बेस बदल के इधर ही किधर सुबह बैठा है, जागते रहो। औकात के दायरे में रहो थापा। ये मत भूलो कि अब तुम वॉचमैन नहीं हबलदार हो। अजी साहब जी, देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया है। साहब जी, क्या हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं? थापा, मारो छापा। साहब जी, क्या हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं? कर सकता है? आई कर सबका सामने तो कैसे, मैं तो हवलदार है, कोने में चलो जागते रहो। चलिए आइए। मोटर अम्मा, आपको पूरा यकीन है कि इस घर में चोर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मेरे और जूजू के अलावा आपको और कोई नजर आ रहा है? नहीं। मान लो कि ये शख्स वैसे तो बहुत ईमानदार है, लेकिन अगर ये ईमानदार नहीं होता, चोर होता, लुटेरा होता और किसी का भेस लेकर यहाँ आ जाता तो क्या करती? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आदमी चोरी है। चोर है? हाँ, इन्होंने मेरे दिल की चोरी की है।
माफ करना, मैं दिल के चोर की नहीं बल्कि ज्वेलरी चोर की बात कर रहा हूँ। ज्वेलरी चोर? या आप मेरे जूजू को ज्वेलरी चोर कैसे कह सकते? मतलब आप अपने जूजू को कहीं भी कैसे भी पहचान सकती हो? हाँ, क्योंकि उनकी तस्वीर मेरे दिल के फोटो फ्रेम में बंद है, आँखों के कैमरा में कैद है और दिमाग के दरवाजे में फिक्स है। वो जूजू जिसकी तस्वीर तुम्हारे दिल के फोटो फ्रेम में कैद है, मान लो अचानक वो मोटा हो जाता है या जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है, तो मोहतरमा क्या तुम उसे फिर भी पहचानोगी? हाँ हाँ, मैं तो अपने जूजू को सपनों में भी पहचान लूंगी। पता है, लाखों की भीड़ में भी मैं जूजू को पहचान लूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जूजू करोड़ों में एक है। तुम्हें पूरा यकीन है कि यही शख्स तुम्हारा जूजू है? और नहीं तो क्या, इतना हैंडसम और कौन हो सकता है? अच्छा, मतलब ये मोहतरमा कि आज सुबह जो तुम्हारे ऑफिस में मोटा इंसान आया था, वो तुम्हारा जूजू नहीं है? नहीं। आपको कैसे पता कि आज सुबह ऑफिस में एक मोटा इंसान आया था? तुम्हें सब पता है मोहतरमा, भले ही वो मोटा इंसान तुम्हारा जूजू ना हो, लेकिन ये इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यही तुम्हारा जूजू है। बकवास कर रहे हो? तो विक्की साहब जी, ये गवार तुम्हारा है? नहीं, अनिल कपूर का है। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या रॉन्ग नंबर? मैं किधर खड़ा हूँ? घर में। तो अगर मैं इस घर में खड़ा हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना? अच्छा, क्या जब से किसका है करे जा रहे दिमाग की, ये किसका है, वो किसका है, ये किसका है, ये बल्ब किसका है, देखा? मैंने उंगली लगाई तो लगा झटका? नहीं। आपको क्यों लगा? क्योंकि ये बल्ब तुम्हारा है। अच्छा एक बात बताओ, फिर तो ये ब्रीफकेस भी आपका होएगा। अरे कैसे बोलूं, ये भी मैं आए है। तब तो ब्रीफकेस के अंदर जो सामान है वो भी तुम्हारा होएगा। क्या? अंदर का सामान? क्या सामान है? क्या ऑफिस के पेपर्स है, इम्पोर्टेंट पेपर्स है, कागजात है, और क्या? सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा जूजू कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारा जूजू होता जीनी, तो तुम मुझे ऐसे नहीं देखती रहती, बल्कि तुम शर्माती और शर्माते हुए मुझसे कहती, जूजू जूजू मुझे शर्म आ रही है। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा जूजू कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारा जूजू होता तो तुम मुझे कहती, चलो जूजू शादी करते। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा जूजू कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारा जूजू ही तुम्हारा मित्र है, और अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं तुम्हारा जूजू नहीं हूं। आप जूजू? जूजू? हाँ जीनी, मैं ही तुम्हारा जूजू। I'm sorry जूजू, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। क्या जूजू, आपने भी मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मैंने कहा बेवकूफ बनाया? अरे बेवकूफ तो मैं खुद बन गया हूँ जीनी, मुझे क्या पता था कि मेरा कोई हमशक्ल है, वो भी एक चोर है। और किस्मत का खेल देखो जीनी, वो जुनजुन ने जो एक विश दी थी ना, मुझे क्या पता था उसकी वजह से मैं ऐसा मोटा हो जाऊंगा और ये मेरी जगह ले लेगा। इसके अंदर का कुछ नहीं है, लूट के सामान है, गहना है। मेरा बैग दे। वाह बच्चों, अब तेरा खेल खत्म, अब जेल जाने की तैयारी करो। अच्छा बटले, ये ले। खबरदार, जो कोई भी हिला दो। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा तुम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत से मैंने ये गहने लूटे। इसको मुझे वापस दे दो, नहीं तो एक एक को गिरा डालूंगा। अबे देखते क्या हो, ये बटला बटली, लगता है तुम दोनों का पैकअप का टाइम आ गया। चलो बाय बाय। हाँ
या ब्लडी फूल समझ ले जो नकली फूल देते हैं। नहीं 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 अरे क्या करता है जीनी, जीनी मुझे बहुत डर लग रहा है जीनी, ये तो अपनी गन से हमें भिगो देगा। लोग सुधरेंगे नहीं लगता है, साले जादूगरो। रुको। याँ! ऐसे, बचाओ! अरे क्या कर दिया? अरे मेरे को उतारो नीचे, बचाओ! इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी हवा खा ले। बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ हमें, बच रहे, नीचे कर। जीनी, बेचारे को उतार दो ना। क्या भरोसा, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो मेरा। ए नींबू मिर्ची गैंग, ये क्या जादू तो ना कर रहे तुम लोग? बहुत हो गया शानपति, बोल देता हूँ मेरी सड़क गई ना, 8 गोली अभी भी बाकी है इसमें, बताऊं क्या? ये जिनी, ये क्या कर रही है तू? वो मिचर, मिचर, मिचर! अरे अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, बचाओ! अरे जिनी ये क्या कर रही है तुम? वो बेचारा जल के राख हो जाएगा, वो उसको उसको छोड़ दो, माफ कर दो उसको, छोड़ दो। बचाओ, बचाओ! हम आ गए तुम्हें बचाने। फर्स्ट टाइम राइट टाइम एंट्री मारा पुलिस। बचाओ, बचाओ, बचाओ! आंखें तो खोलो राजा। पुलिस? और पुलिस? हाँ पुलिस। मेरे लिए? न जाने कितने शहरों में तूने कितनी बार लूटपाट की है, और आज पकड़ में आ ही गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये रहे लूट के माल। भाई आप लोगों ने कानून की बहुत मदद की है। हाँ वो तो हाँ है, किंतु कोई इनाम इनाम हो तो मनी ऑर्डर भिजवा देना है। जरूर, बिल्कुल। अभी हो गया ना, चलो ना, खाना खाने का प्रोग्राम है क्या? बोला ना, डेंजर लोगे, डेंजर लोगे। टाचनी लगा हुआ नींबू निचोड़ के शरबत पिलाएंगे। ये तो चलेगा नहीं, मैं लेके चलते हैं भाई, चलते हैं। अबे चल भाई, चल। खेल कलंश टाइम हो जाएगा, चल। चल चल बेटा चल। टाटा। राहुल, वाह 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 वाह, एक बार ठीक टाइम पे आस्ते पुलिस लेके आए। अजय, भूतनीर की देखा, अच्छा हुआ ना कि राहुल और मैं तुम्हारा बेक्के बाबू का बात मान के यहाँ आ गए, नहीं तो वो चोर सच्ची मुच्ची तुमको बेवकूफ बना के चले जाते। अभी आने की बोलछी, तुम खुद चुपचाप सबको अपना असलियत बता दो। क्यों? उससे क्या होएंगे? सब मेरे बात पे यकीन करेंगे, मैं महान नॉवेलिस्ट बन जाएंगे, कितने मजे आएंगे बोलो। हाँ चौतुर बाबू, आप एकदम सही कह रहे हो। आपके एहसानों के बोझ के तले मैं दब गई हूँ, अब इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। पर यहाँ इस लोकेशन पे नहीं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, कहीं और चले? कहाँ? अभी बताती हूँ, रेडी? अच्छा, एक मिनट। हाँ। वो रह गया। वो है? ड्यूटी स्पॉट। रेडी? रेडी। ये तो हमारा ही बाड़ी है, हमें हमारा ही बाड़ी में क्यों लेके आया? चौतू जी, राहुल, आप दोनों ने हमारे लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। भूलना चाहिए भी नहीं। इसीलिए आपके एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। अच्छा, माने हमारा ही घर में हमको पार्टी। अच्छा तो कहीं और चलते? इधर वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर? अच्छा है। चलो। Oh, peace! Oh, peace!
तो बड़ा बड़ा मछली है चारों तरफ। आज तक तो हम मछली खाता था मायरी, तो लगता है आज मछली हमको खा जाएगा। अरे लेकिन गोलगप्पो मौसो, हम तो शाकाहारी है। मीनो ईट फिश। क्या हो रहा हूँ, ये जगह तुम्हें पसंद नहीं है? हमें क्या पागल फिश ने काटा है? लेके चाहिए हमें यहाँ से। और चौथु जी आपको? बिल्कुल नहीं। अच्छा कहीं और चले। आगे जीनी, जीना, क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? आपके बाजू में तो खड़ी हूँ। ऐसा कैसे, वो लोग उड़ रहे हैं और हम लोग नहीं उड़ रहे? क्योंकि आप अपनी जीनी के साथ हो, इसीलिए। मम्मा, बचाओ! ओ चतुर बाबू, ये जगह कैसी लगी? पहले वाली से बेटर है? नहीं, यहाँ भी डर गए हैं। जय हनुमान जी। चुपचाप क्या देख रहा है? अरे हमको तो झूला से भी डर लगता है। हमको इधर झूला दिया, बोलो। इसको बोलो ना कि ऐसा नहीं करे। मायरी नहीं रे मामा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। कैनो? अरे मैं खुद इससे बहुत डरता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? फिर तो हम चुपचाप ही उड़ता है भाई। एक बार दिमाग खराब हो गया ना तो कुछ भी कर देगी, वहां से जमीन पे टपका देगी। बोलो। नो 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 नो, पीछ 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 पीछ। एंजॉय। राहुल, अगर ये जगह पसंद नहीं आई तो कहीं और भी ले जा सकती हूँ, यहाँ पे मजा आ रहा है। गंगा घाट की कसम, आप हमें और कहीं नहीं लेके जाइए, प्लीज वापस घर लेके जाइए। यू प्लीज टेकिंग होम मी, थैंकिंग ऑन यू प्लीज मम्मा। ये हुई ना एकदम देसी बॉय वाली बात, चलो चलते। रेडी? मजा आया। इट्स नो नाइस। नो नाइस? चतुर बाबू आपको? चलो इस बात पे आप दोनों के लिए एक गिफ्ट तो बनता है। नो नो, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए माई। अरे छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। हाँ एक काम करती हूँ, छोटा सा प्यारा सा चॉकलेट का बॉक्स। ऐसे तो हम किसी से कुछ लेता नहीं है मायरे, किंतु दिल से दे रहे हैं तो ले लेते हैं। ओके रेडी? ये लीजिए छोटा सा चॉकलेट का डब्बा। आप चतुर बाबू और राहुल, आई होप मेरी असलियत दुनिया के सामने लाने का ख्याल आप लोगों ने अपने दिल से निकाल दिया हो। कब तो मने? तो अब हम चले। जाओ मैं, बाय। आ गए जीजू। अरे हाँ आ गए। थैंक यू विक्रम। ये मोटा यहाँ भी आ गया। दीदू रिस्पेक्ट से बात करो, ये मेरे प्यारे प्यारे कुछी कुछी जूजू है। क्या? मैं ही असली विक्की हूँ। ये मेरी भूल थी, वो जुनजुन ने जो मुझे बड़ा वाला जादू दिया था ना, उससे मुझे ऐसे लगा था कि मैं बहुत बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। बड़ा जादूगर तो दूर, बड़ा आदमी बन गया मैं। लेकिन थैंक्स टू सीता और गीता, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और ये जादू का भूत है ना मेरे सर से उतर गया। तुम्हारे सर से तो उतर गया, लेकिन किसी और के सर पर तो अब भी सवार है। इसके? अभी बताती हूँ। अब क्या तुम्हें कहना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल कर दो? जूजू, आपको तो मेरा जादू करना पसंद नहीं है ना, तो फिर जादू से क्यों ठीक होना है? आप एक काम करो ना, वेलू कैसे दौड़ रहा है, बिल्कुल वेलू के तरह दौड़ो, वर्कआउट करो, पतले हो जाओगे। मेरे पीछे हल्के भाई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।